मुद्दा है गणपतनाथ की नजर कितना होगा असर, जरा इस खबर को देखिए फिर इस पर चर्चा करें। गढ़ पर दिखा नाथ का फोकस, क्षेत्रीय नेताओं के साथ दिखे चौकस, विधायक और नेता दिखे नाथ के साथ, क्या बदलेंगे छिंदवाड़ा के हालात? शुक्रवार से कांग्रेस के दिग्गज नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ राजधानी भोपाल में डेरा जमाए हुए हैं। शनिवार को नाथ ने भोपाल से छिंदवाड़ा पर फोकस किया। प्रदेश की सियासत में छिंदवाड़ा का पर्याय रहे कमलनाथ 45 साल तक वहां के सर्वे सर्वा रहे हैं। सांसद, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री बने, 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली हार से समीकरण बदले, फिर अमरवाड़ा उपचुनाव में शिकस्त, अब कमलनाथ ने एक बार फिर से छिंदवाड़ा पर फोकस किया है। शनिवार को आम लोगों के साथ ही छिंदवाड़ा के सभी कांग्रेस विधायकों के साथ उन्होंने बैठक की। नाथ ने जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके, परासिया विधायक सोहन बाल्मीक, चौरई विधायक सुजीत चौधरी, सौंसर विधायक विजय चौरे और पांडुना विधायक नीलेश उइके से नए सिरे से मिशन छिंदवाड़ा पर चर्चा की। सिर्फ छिंदवाड़ा के विधायक नहीं, तमाम सारे वरिष्ठ नेताओं से, अलग अलग जगह के MLA से, वरिष्ठ नेताओं से पिछले दो दिनों से कमलनाथ जी की बैठक चल रही है। हम लोग भी अभी मिल के आए हैं और आगे की रणनीति क्या हो, कैसे आंदोलनों को गति मिले, भाजपा की गलत नीतियों की वजह से कैसे घेरा जाए, ये सारी बातें हम तो सक्रिय तो हैं। तो लोगों का ये कहना कि फिर सक्रिय हो गए, गलत है, सक्रिय हैं, रहेंगे। कमलनाथ हमेशा से BJP के निशाने पर रहे हैं, फिर सक्रिय हुए नाथ BJP को चुभ रहे हैं, तभी तो वो उनकी सक्रियता पर तंज कस रही है। सब कुछ गवा के होश में आए तो क्या होश में आए, 15 महीने की सरकार चली गई, छिंदवाड़ा की लोकसभा चली गई, अमरवाड़ा की सीट चली गई, प्रदेश अध्यक्ष ही चली गई और अब जीतू पटवारी गुट के कारण चौतरफा गिरे हैं कमलनाथ। अगर पहले ही मेल मुलाकात कर ली होती तो सरकार क्यों जाती, जनता का जरा सा भी चिंता कर ली होती तो लोकसभा क्यों जाती। कमलनाथ आज सिर्फ एक ही चिंता रखते हैं, अपने पुत्र को पुनः स्थापित करने की। छिंदवाड़ा कांग्रेस का वो अवैध किला रहा है जहां कमलनाथ ही कांग्रेस थे। पिछले कुछ समय से BJP लगातार वहां सेंध लगा रही है। लोकसभा चुनाव में नकुलनाथ की हार हुई, लेकिन अब कमलनाथ नहीं चाहते कि उनके क्षेत्र में BJP फिर सेंध लगाए, तभी तो नाथ फिर से एक्टिव हो गए हैं। अब सवाल ये है कि गढ़ पर नाथ की नजर का कितना असर होगा। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज का हमारा मुद्दा है गढ़ पर नाथ की नजर, कितना होगा असर। कमलनाथ लंबे अरसे के बाद नजर आए, नजर ही नहीं आए बल्कि गढ़ पर भी नजर लगा रहे हैं और गढ़ के साथ, जैसा सज्जन वर्मा कह रहे थे, उनकी नजर तो पूरे मध्य प्रदेश पर है, देश की सियासत पर है, क्योंकि कमलनाथ एक ऐसा चेहरा है जो देश की सियासत करते हैं, मध्य प्रदेश की तो करते ही हैं, लेकिन जब पहुंचे हैं इंतजार के बाद तो फिर चर्चा भी है, उसके मायने भी खोजे जा रहे हैं। क्या सिर्फ अपने गढ़ पर नजर रखेंगे या मध्य प्रदेश पर, और यदि ऐसा है तो फिर पार्टी के भीतर पार्टी के लोग, क्या सज्जन वर्मा के साथ और भी लोग नजर आएंगे, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन BJP को बोलने का मौका मिलता है, जाहिर है वो आए हैं, तो छिंदवाड़ा भी हारे हैं, अमरवाड़ा भी हारे हैं और अब तैयारी 28 और 29 की है, तो नाथ की क्या भूमिका, समझते हैं। आज मेरे साथ मेहमान रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, जरा बंसल न्यूज के ऊपर 3 सवाल देख लेते हैं जो चर्चा के नजदीक रहने वाले हैं। क्या छिंदवाड़ा में मिली हार के बाद अब नाथ को गढ़ की चिंता सता रही, क्या कमलनाथ की सक्रियता से छिंदवाड़ा में फिर से लड़ाई में लौटेगी कांग्रेस, क्या नाथ की सक्रियता BJP को फिर से बाहरी मुद्दा उठाने का मौका दे। तो ये वो सवाल है जिनके जरिए हम आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं, आज के हमारे मेहमान हैं मिलन भार्गव जी, स्टूडियो में मौजूद है। मिलन जी, आपका बहुत स्वागत। स्वदेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। स्वदेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका भी बहुत स्वागत है।
सबसे पहले दिनेश जी के पास ही चलूंगा, दूर है मुझसे लेकिन सबसे पहले पास वही आएंगे मेरे। दिनेश जी क्या कहेंगे, नाथ फिर से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं लंबे अरसे के बाद। कहा ये भी जा रहा था, पहले छिंदवाड़ा गया हाथ से, फिर अमरवाड़ा गया, और फिर ये भी कहा जाने लगा ये राजनीति है, बातें होती रहती, क्या लौटेंगे कमलनाथ या नहीं लौटेंगे। लौट भी आए हैं, अपनों से तो मिल ही रहे हैं पर उसके अलावा बाकी लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस के भीतर भी ये चर्चा का विषय बनेगा या बीजेपी की नींद उड़ेगी? मुझे लगता है कि मनोज जी उनको उनके पास कोई दूसरा विकल्प तो है नहीं। आप कांग्रेस की राजनीति में, ओवरऑल राजनीति में देखें, राष्ट्रीय राजनीति हो या राज्य की राजनीति हो, उनके पास स्पेस क्या है? उनका स्पेस तो केवल जो भी है। अब छिंदवाड़ा में अपने आप को वापस यदि लाना है, वापसी आपको करना है, तो आपको अभी से सक्रिय होना पड़ेगा। और वहां हमने देखा था ना कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ से ज्यादा शिकायत किसको लेकर थी? नकुलनाथ को लेकर थी। तो नकुलनाथ कहाँ है इन दिनों? नकुलनाथ तो कहीं नजर नहीं आ रहे, वो तो कह रहे थे ना कि कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि कमलनाथ और नकुलनाथ छिंदवाड़ा क्या करता है, ये जो असमंजस छिंदवाड़ा में है, अब कमलनाथ किस तरह से उसको वापसी वहां करेंगे, किस तरह से अगले इलेक्शन की तैयारी करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो बदले हुए हालात हैं वो ऐसे नहीं है कि सारी स्थितियां उनके पक्ष में चली जाएं, संगठन अपने हिसाब से वहां चलना चाहता है। तो अभी ओवरऑल आप देखिए ना कि जो परिस्थितियां हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर भी, वो भी कहीं ना कहीं उनके जो आगे की जो रास्ता है उसमें थोड़ा सा रुकावट तो आएगी वो। जी जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मिलन भार्गव जी, देखिए ये बात सच है कि अभी हाल में आपने उस गढ़ को भीदा है, लेकिन ये भी सच है कि कमलनाथ एक ऐसा चेहरा, ऐसे व्यक्ति हैं जो उस गढ़ में अपनी पैठ आज भी रखते हैं, और आज तो उन्होंने मुलाकात भी की तो गढ़ के लोगों से ज़्यादा मुलाकात की, चाहे सोहन बाल्मीक हो या बाकी जो विधायक है उस क्षेत्र से आते हैं। एक को तो आप अपने साथ ले आए, बाकी एक बीच में एक बार मुलाकात हो गई थी मोहन जी से, वाल्मीकि जी की, तो फिर ये कहा जाने लगा था कुछ और तो नहीं है, तो कुछ और तो नहीं चल रहा, लेकिन अब तो सब कमलनाथ के साथ नज़र आ रहे हैं, तो आपकी बात गलने वाली नहीं है। देखिए मनोज जी, बड़ा ही स्पष्ट है, जिस तथाकथित गढ़ को लेकर भ्रम का वातावरण जो कांग्रेस पार्टी बनाती आई, वो भ्रम का वातावरण जनता ने अपने जवाब से तोड़ दिया। और भ्रम के वातावरण टूटने के बाद आप देखिए, जिनका गढ़ कहा जाता था वो राजनीतिक अज्ञातवास में लगातार रह रहे हैं। जब जनता ने विधायक चुन दिया, उसके एक महीने के बाद उनको शपथ की याद आई, जब शपथ ले ली तो विधायक की भूमिका किस प्रकार से होती है बताने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन उस भूमिका का भी क्या वो सत्यता और सच्चाई के साथ निर्वहन कर पा रहे हैं, या जिस जनता ने उनको मैंडेट दिया था कि आप विधायक बनिए और विधानसभा में हमारी बात रखिए, उस मुद्दों से भी नदारद है। अब एकमात्र उनका जो एजेंडा दिखाई दे रहा है, जो लोकसभा चुनाव के पहले भी उन्होंने भरसक प्रयास कर लिया अपने पुत्र को अपने रहते स्थापित करना, चूंकि विरासत सौंपी जा रही है, विरासत कमाई नहीं जा रही, राजनीति में विरासत वही चलती है जो कमाई जाती है, लेकिन यहां तो हस्तांतरित करने की व्यवस्था चूंकि कांग्रेस पार्टी में रही है, अपने रहते सत्ता का हस्तांतरण करना, लेकिन जनता ने उसको नगावार गुजारा, मतलब उसको नकार कर घर बैठा दिया। कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता थे उन्होंने भी अस्वीकार कर दिया। तो अब चूंकि कमलनाथ जी एक अपना एक ऑरा है, उसमें सोच रहे हैं कि रहते करते जीतू पटवारी जी के रहते तो कुछ मेरे पुत्र का होगा नहीं, लेकिन कमलनाथ जी प्रेशर पॉलिटिक्स कर अपने पुत्र को अब संगठन में कुछ स्थापित करने का एक दबाव की राजनीति अपने ग्रुप के माध्यम से कर रहे हैं कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा बन रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए पहुंचे हैं भोपाल। निश्चित रूप से देखिए, ये प्रेशर ही तो है। आज 8 महीने से ऊपर हो गए जीतू पटवारी जी अपनी कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। अब तो बात ये चल रही कार्यकारिणी पहले आएगी या इनकी रवानगी पहले होगी। दूसरी बात, अभी चुभने की बात हो रही थी, तो देखिए चुभता वही है जो टूटता है, और कमलनाथ जी बहुत ज्यादा टूट गए क्योंकि पहले मुख्यमंत्री की सीट गई, फिर जनता ने उनको चुनाव हरा दिया, फिर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी चली गई, फिर जैसे तैसे बेटे को स्थापित करना चाह रहे थे, वो एक असफल प्रयास भी उनका असफल हुआ, क्योंकि वो जिस कृत्य के साथ अपने बेटे को स्थापित कर रहे थे, जिसमें साम दाम दंड भेद सब तरह की राजनीति को जनता ने किनारे लगा दिया। अब जो वो चूंकि चुभ रहे हैं जीतू पटवारी जी को और तमाम कांग्रेस के नेताओं को, तो ये चुभन होना स्वाभाविक है, और ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, इसी कारण से कार्यकारिणी भी नहीं बढ़ाने आ गए कमलनाथ। मतलब आपकी बात यही है ना, कह रहे मैं स्वदेश शर्मा जी से पूछ लूं सवाल, कोई दिक्कत तो नहीं? जी जी प्लीज। नहीं मैं यही पूछ सकता हूँ ना कि चुभन करने आए वो? नहीं
जी चुभन का असर। सुदेश शर्मा जी, खैर ये पार्टी का अपना मसला है, लेकिन कमलनाथ जी बहुत ही सीनियर लीडर हैं, बहुत वरिष्ठ नेता है, वो तमाम तरह की चीज़ों को समझते हैं। देश के भीतर कुछ चीज़ें बदली भी है और वो उस कांग्रेस का हिस्सा है जो दिल्ली में भी अपनी पैठ रखते हैं। पर 18 की बात करें या फिर उसके बाद 23 में हमने देखा, 24 में भी देख लिया, बहुत सारा पानी बह गया। ऐसे में कमलनाथ की भूमिका क्या रहने वाली? सैनी साहब, सच बात यह है कि माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश का वह चेहरा है जिनने 45 वर्ष उस सिलवाड़ा में काम किया है अपने परिवार की तरह, जिस सिलवाड़ा को लोग यह कैसे पहचाना कर जाता था, वह सिलवाड़ा जो नागपुर के पास है उसको वो पहचान ली कि आज सिलवाड़ा मॉडल बनकर तैयार हो गया। हार जीत लोकतंत्र के दोनों ही पहलू होते हैं और जनता जनार्दन लोकतंत्र में भगवान का रूप होती है और उन्होंने जो फैसला सुना दिया माननीय कमलनाथ जी ने उसको सार स्वीकार किया, लेकिन हट कर हार कर बैठ जाना ये हमने सीखा नहीं है, क्योंकि अगर हट के हार कर बैठ गए होते तो अंग्रेजों से भारत को आजाद नहीं करा पाए होते। हम लुटेंगे, इकट्ठे होंगे। सुदेश जी आपकी आवाज कुछ ठीक हो सकती है, बहुत अच्छी सुनाई नहीं दे रही, सुनाई तो आ रही है जी, बोलिए। हम जुटेंगे, इकट्ठे होंगे और फिर लड़ेंगे और फिर जीतेंगे। रहा सवाल इस बात का कि माननीय कमलनाथ जी को जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता ने भी कहा कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अरे कमलनाथ जी प्रदेश ही नहीं देश के लिए कोई ऐसी पहचान, मतलब ऐसी बोल रही है कि किसी परसा के मोहताज हो, इन्हें प्रेशर पॉलिटिक्स करने की जरूरत पड़े। मैं समझता हूँ माननीय कमलनाथ जी का आदर मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी बड़े नेता करते हैं, माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कमलनाथ जी पूरा सहयोग के साथ उनके साथ खड़े हैं और सारे बड़े नेताओं का सामंजस्य है। और कार्यकारिणी की बात, एक सवाल उठाया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, कार्यकारिणी का सवाल, जो कार्यकारिणी ऐसी निखरकर ऐसे लोगों की बनकर सामने आने वाली है जो जनता के मुद्दों को मीडिया के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से उठाएगी और सरकार को उनको पूरे किए जाने के लिए दबाव डालेगी। राज्यसभा सदन की बात की हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने, सदन में हम लगातार मुद्दे उठाते हैं लेकिन आप सदन चलने कहां देते हो, आप तो घोषित किसी के पहले ही सदन की कार्रवाई खत्म कर देते हो, स्थगित कर देते हो, सड़क पर हम आते हैं तो आप जेल में डालने का काम कर देते हो, लेकिन अब करते रहेंगे क्योंकि अंग्रेजों से नहीं डरेंगे। दिल्ली कांग्रेस तो सत्ता के जो सारण शाही लोग है उनसे डरने वाली तो है नहीं, आप कोई भी हथकर ले अपना लीजिए। अब आपने एक सवाल और किया कि सरकार अपनी सवाल ना पाए, अरे भाई मिलन भाई आप ये समझ सकते हो कि चोर के लिए एक मर्यादा होती है ताला लगाना, लेकिन डकैत के लिए क्या होता है, वो तो आके दरादर करके लूट के चला जाता है। आप तो लोकतंत्र के लुटेरे हो, आपने चलती हुई सरकार गिरा दी खरीद फरोख के माध्यम से, तो उसमें हमारा क्या दोष है, आपने लोकतंत्र की हत्या की है। सर अब ये तो खैर सही बात है, ये बात तो पुरानी हो गई, उसके बाद अब 23 के चुनाव भी हो गए, 24 के चुनाव भी हो गए, तो उसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह जाता। सर जी संभावनाएं बनी 2024 के चुनाव में, लेकिन जनता ने आपको ऐसा जवाब दिया कि आपने प्रभु राम पर राजनीति की, धर्म की राजनीति की, जी अयोध्या से बेदखल कर दिया, जाके प्रभु राम जन्मभूमि है आपको जसपुर से बेदखल कर दिया, मतलब आपकी जो पॉलिटिक्स है पॉलिटिक्स जनता ने स्वीकार नहीं की, और जो 400 पार का नारा देती थी जो संविधान बदलने की बात करते थे, आज वो इंडियन गठबंधन की सरकार कहने लगी माननीय प्रधानमंत्री, तो ये लोकतंत्र है, इसमें जमहूरियत में जनता भगवान होती है और भगवान का फैसला हम हो या भाजपा हो या कोई भी दल हो उसे स्वीकार करना चाहिए। माननीय कमलनाथ संघर्ष कर रहे हैं, सबसे मिलजुल रहे हैं और ये इसका रिजल्ट आपको आने वाले चुनाव में। मैं लौटूंगा सुदेश शर्मा जी, मिलन जी कुछ कह रहे थे, मिलन जी की तरफ भी लौटूंगा, लेकिन जब तक मैं चाहूंगा कि आपकी आवाज और अच्छे से मिले तो दर्शक सुन भी पाएंगे, मैं भी समझ पाऊंगा, पीसीआर देख लेगा। लेकिन दिनेश जी, आप दोनों मेहमानों को सुन रहे हैं, ये बात सच है कि कमलनाथ जी का एक अलग तरह का वर्चस्व रहा है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सियासत में, लेकिन बीते दिनों जो हालात दिखाई दे रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कार्यकारिणी घोषित नहीं होने की वजह भी दो नेता है, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह जी तो यहाँ रहते ही हैं, दिखाई देते, आप देख ही रहे हैं, लगातार बड़े सक्रियता दिखा रहे हैं। कमलनाथ जी की सक्रियता को किस तरह देख रहे हैं, क्या ये उसी का हिस्सा तो नहीं है, 3 दिन भोपाल में गुजार रहे हैं? कहीं भी गुजारने, मेरा थोड़ा सा उनके बारे में अलग एक ओपिनियन बिल्कुल है, हमेशा से रहा है जी। आप यदि 80 से लेकर आप 2018 तक की उनकी राजनीति देखेंगे ना, तो उन्होंने, मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश का कभी दौरा भी नहीं किया होगा। 2018 में जो मध्य प्रदेश में वो अध्यक्ष बनकर आए थे, तब तो उनकी कार्यशैली को लोगों ने देखा था कि वो किस तरह की राजनीति करते हैं, ग्राउंड रियलिटीज में उन पे पास किस तरह की चीजें हैं। आप देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह हो या अर्जुन सिंह हो या जो दूसरे नेता रहे,
और कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीति रही वो इन लोगों के साथ रही। वो कभी दिग्विजय सिंह को सपोर्ट करते थे, कभी अर्जुन सिंह को सपोर्ट करते थे। उन्होंने भोपाल में बंगला लिया था, लेकिन रहे कब? 2018 में आए वो, जब सरकार बन गई, उसके बाद सरकार गिर गई। तो ऐसा नहीं, उनके आने से कोई कोई परिवर्तन नहीं आना। कमलनाथ इतने यदि जादूगर होते तो मुझे लगता है कि वो 20 में अपनी सरकार भी बचा लेते, 23 में चुनाव भी जीत लेते। देखिए, ये तो हर राजनीति में सबका वक्त होता है, हर चीज का एक समय होता है। आज देखिए, उनका जो समय है वो जो मैनेजमेंट वाली जो राजनीति, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के आदमी है वो, ग्राउंड पॉलिटिक्स के आदमी कभी नहीं रहे। अन्यथा उन्हें अपनी जमीन का अंदाजा नहीं होता छिंदवाड़ा की, वो किस तरह से खिसक रही है, किस तरह से परिवर्तन आ रहा है, क्या मुद्दे हैं। 15 महीने उनकी सरकार रही तो उन्होंने जो जो इशू थे जिनको लेकर सरकार बदली थी मध्य प्रदेश, उन इशूज पर क्या किया था उन्होंने, उन्होंने लोकसभा चुनाव में किस तरह का स्टैंड था, वो जो पॉपुलर स्कीम थी वो ही बंद कर दी थी। अभी आप 29 सीटें हार गए, उसमें छिंदवाड़ा भी हार गए, आपका क्या योगदान था? आप विधानसभा का इतना बड़ा चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ा गया, आपकी सीटें घट गई। तो बहुत सारी चीज, यदि उनको ग्राउंड रियलिटी का एहसास होता तो मुझे लगता है कि वो चुनाव नहीं हारते। वो ना तो ग्राउंड के आदमी पहले थे, ना वो अब है। अब वो कहीं भी अपनी प्रेजेंस दर्ज कराए, किसी भी तरह से दर्ज कराए। अब लीडरशिप चेंज हो चुकी है, लोगों का मूड चेंज हो चुका है, वो जनरेशन बदल गई है। तो बदली हुई जनरेशन के साथ आपको राजनीति करनी होगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और मुझे लगता है यही बात है कि बदली हुई जनरेशन यानी बदली हुई पीढ़ी के साथ अपने आप को कैसे एडजस्ट करें, इसलिए 2-3 दिन से वो भोपाल में है। मिलन जी, आप कुछ कह रहे थे स्वदेश जी की बात पर, फिर ये भी बताइएगा कि कमलनाथ जब आते हैं तो फिर ये बातें क्यों शुरू हो जाती? चिंता अभी भी रहती है क्या कमलनाथ जी से कांग्रेस को, भारतीय जनता? देखिए, चिंता का विषय नहीं है, लेकिन चूंकि स्वदेश जी ये कह रहे थे कि उन्होंने विधायक रहते छिंदवाड़ा के विषय रखे, तो मैं स्वदेश जी से सीधा साधारण सा एक सवाल करूंगा कि पिछले 2 सत्रों में कमलनाथ जी ने एक भी सवाल किया हो तो स्वदेश जी यहाँ बता दें। देखिए, बड़े नेता हो सकते हैं कांग्रेस के, गंभीर नेता हो सकते हैं, चूंकि उनकी एक इमेज बनाकर कांग्रेस पार्टी ने रखी, तथाकथित गांधी परिवार के करीबी होने के नाते राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में हमेशा उनका दखल रहा, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन यह भी नहीं नकारा जा सकता कि कमलनाथ जी के साथ 1975 की इमरजेंसी भी जुड़ी हुई है, किस प्रकार से लोकतंत्र में उनकी भूमिका रही और किस प्रकार सिख दंगों में, कतलेआम में उनकी भूमिका रही और तमाम जो घोटाले उनके पीछे लगे हुए हैं। तो एक वो भी इमेज है, बड़े नेता होने के साथ बड़े घोटालेबाज, ये सब इमेज जो जनता के बीच गई। आज तथा कथित आज जो बाहरी वाला विषय लगता है वो यूं ही नहीं लगता मनोज जी, बाहरी होने के लिए यदि आप साबित कर दें, यदि वो कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के हैं तो छिंदवाड़ा में क्यों नहीं रहते, मध्य प्रदेश के हैं तो भोपाल में क्यों नहीं रहते, अज्ञातवास में हमेशा रहते हैं, प्रकट होते हैं, दो दिन के लिए प्रकट होते हैं, 3 दिन के लिए प्रकट होते हैं, यही तो चर्चा होती है कि अब आए कमलनाथ जी, 3 दिन आए सक्रियता। अरे, इसको निष्क्रियता बोलते हैं, 30 दिन में से 27 दिन आप गायब रहो, 3 दिन आ गए तो उसको सक्रियता थोड़ी बोलेंगे भाई, उसको निष्क्रियता बोलेंगे। परसेंटेज निकाल लीजिए, जैसे आप 100 में से 99 ऐसे खुश हो रहे हैं सीटें, अरे 3 चुनाव के मिला के भी 100 का आंकड़ा पूरा नहीं कर पाए, 543 में से आए हैं 99 और हम 240 आए, हमारे उसको भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के जो स्वरूप है उसको छोड़ दीजिए, विश्व आज स्वीकार कर रहा, 15 राष्ट्रों ने नागरिक सम्मान से सम्मानित किया, आप भले ही अपने देश का प्रधानमंत्री मत मानिए, क्योंकि आप तो इस देश को आज भी बांग्लादेश बनाने की कगार पर ले जा रहे हो, आपकी मीटिंग भी नहीं हो रही और आपके नेता कह रहे हैं जल्दी आगे नहीं होगी, जल्दी दंगे होंगे। और कमलनाथ जी सलमान खुर्शीद जी का विषय लेकर आए दिल्ली से, मणिशंकर अय्यर के विचार लेकर आए, देश में अराजकता का माहौल कांग्रेस कैसे पैदा करे, इस पर जरूर विचार कर रही है। अरे घबराइए मत स्वदेश जी, मैं स्वदेश लौटा के लाया हूँ आपको, विदेशी धरती स्वदेश लौटा कर लाया हूँ, घबरा गए इतनी जल्दी? मैं जवाब ले, थोड़ा तो ध्यान रखिए जी, चलिए स्वदेश शर्मा जी ये सच है कि सुनिए ना, मेरा सवाल सुनिए स्वदेश जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? स्वदेश शर्मा जी, सर मुझे तो सुन लीजिए, ये दूर रहने का फल है, देखिए आप दूर है तो मेरी आवाज ही नहीं सुन पा रहे।
लेकिन हम वही पर आ जाए एक मिनट सुदेश जी, मैं ये जानना चाह रहा था, देखिए पीढ़ी परिवर्तन हुआ जिस तरफ दिनेश जी भी इशारा कर रहे थे, और पीढ़ी जब बदलती है तो फिर बातें अलग होती। कार्यकारिणी गठित नहीं हुई, आप कह रहे हैं कि कार्यकारिणी जल्द आ जाएगी और बहुत अच्छी कार्यकारिणी आएगी। लंबे समय से जो उसके पीछे बातें नजर आ रही वो यही है कि दिग्विजय सिंह जी भी, उनकी भी अपनी भूमिका रहेगी, कमलनाथ जी की अपनी भूमिका रहेगी, लेकिन आ जाने के बाद क्या इसको उस सिरे से जोड़ लें हम कि आने वाले दिनों में कार्यकारिणी इसलिए जाएगी क्योंकि 3 दिन कमलनाथ यहाँ रहने वाले? कवि साहब, क्या आपको 2023 के विधानसभा चुनाव में के परिणाम के बाद पता चला था कि विधायक दल की बैठक चल रही थी और मुख्यमंत्री कौन बनेगा? पर एक पर्ची आई और पर्ची को खोला गया, क्योंकि पर्ची में बैठे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुन लिया गया। अब आप बताइए लोकतंत्र क्या तो है नहीं, कांग्रेस की बात करते सवाल कौन सा? मैं आपसे बात कर रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा जवाब दे। ये सवाल मेरी तरफ से, मैं दंपति के माध्यम से कहना चाहूंगा कि भाजपा इस बात को स्पष्ट करे कि आप विधायक हो सकते हो, मतलब डॉक्टर मोहन यादव जी मान लीजिए मुख्यमंत्री हो जाए, सबको पता नहीं था कि मैं अरे बने तो एक सामान्य कार्यकर्ता ही ना, पुत्र तो ही बना, आप क्या नहीं है? लेकिन हमारे परिवारवाद से जन्म हुए नेता हमारे स्थापित नहीं होते, जनता से चुने हुए कार्यकर्ता का परिश्रम ही आकर तब पर इस सोने की तरह जो चमक रहा है वो कार्यकर्ता ही है। और डॉक्टर मोहन यादव जी के बारे में जानते ही क्या है आप? उनकी पृष्ठभूमि तो जान लीजिए, उनका इतिहास तो जान लीजिए, कितने पके हुए व्यक्ति है। सर विषय ये, सुदेश शर्मा जी अच्छा, मतलब ये है कि वो जो आए हैं तो अपना उनका जो भी सजेशन होगा सलाह होगी वो देंगे और युवा पीढ़ी अब उस तरफ बढ़ेगी, उसके बाद कार्यकारिणी आ जाएगी। ठीक कह रहा हूँ मैं सर? देखो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मान ली कमलनाथ जी हो, मान ली दिग्विजय सिंह जी हो, मान ली राहुल भैया हो, मान ली अरुण यादव जी हो, मान ली विवेक पंखता हो, सारे बड़े नेता मान ली जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पूरे सहयोग के साथ, मान ली डॉक्टर गोविंद सिंह जी हो, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, सारे बड़े नेता इकट्ठे होकर के मान ली जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और इनको और अधिक कांग्रेस को मजबूत कैसे किया जाए इस पर चिंतन मंथन लगातार चल रहा है। अब कमलनाथ जी को लेकर के भाजपा के पेट में इतना दर्द हुआ है कि आज हमें इतने बड़े चैनल पर इस बात का निवेदन करनी पड़ेगी कमलनाथ जी भोपाल क्यों आए। कुल मिलाकर के बात दिखाती है कि कमलनाथ जी का औरा, कमलनाथ जी का भय भारतीय जनता पार्टी को अभी भी है। मध्य प्रदेश की राजनीति में कमलनाथ जी का अपना स्थान तो है ही, बिल्कुल सही है। दिनेश जी, मैं बहुत छोटी सी एक प्रतिक्रिया आपसे चाह रहा था, आपने एक इशारा मुझे किया पीढ़ी परिवर्तन, पीढ़ी बदलती है तो चीजें बदल जाती है, और ये भी सच है कि कार्यकारिणी की जो सूची है वो अभी तक तो नहीं आई है। क्या कमलनाथ जी 3 दिन रुकेंगे तो उनकी भूमिका उसमें नजर आ जाएगी कुछ चलते चलते? एक बहुत छोटा सा मेरा सब बिल्कुल नहीं आएगी मनोज जी, क्योंकि उनका भोपाल रहने से उस कार्यकारिणी का कोई संबंध नहीं है। जी जी, और कांग्रेस में तो कार्यकारिणी का भी भोपाल में थोड़ी बनती है। नहीं नहीं, वो एक ऐसे नेता है सर जो दिल्ली में भी अपनी पैठ तो रखते हैं, आप कितनी है बदली हुई राजनीति में वो बेहतर आप और मैं समझ रहा हूँ। जी नहीं, अब देखिए खड़गे जी कितना उनको रिस्पॉन्स करते हैं, राहुल गांधी की क्या भूमिका होती है, कितना लोगों को उनको एडजस्ट करना, देखिए जो राजनेता है उनको जिनको कार्यकारिणी में लेना होगा वो कुछ कमलनाथ समर्थक भी हैं, तो उनको भी आप कह सकते हैं कि कमलनाथ जी के कहने पर ले लिए। कुछ एमएलए भी होंगे, कुछ नॉन एमएलए भी होंगे, पूर्व विधायक भी होंगे, बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो अल्टीमेटली उनकी एक फॉलोइंग तो है, उस फॉलोइंग को एकदम कांग्रेस पार्टी इग्नोर तो करेगी नहीं, तो उसको आप किसी भी तरह से देख लीजिए, किसी भी रूप में विश्लेषण कर लीजिए, क्योंकि कांग्रेस में जो नेता है चाहे दिग्विजय सिंह हो कमलनाथ हो, ये अल्टीमेटली अभी तक तो अपनी मर्जी से ही चला रहे थे ना, कांग्रेस कितना मुक्त होती है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये समझ भी आएगा, यदि 3 दिन वो भोपाल में बैठे हैं तो इसका मतलब ये भी समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो मध्यप्रदेश की सियासत को वो समझ रहे हैं। सिर्फ छिंदवाड़ा पर केंद्रित होंगे मुझे नहीं लगता, क्योंकि कितने बड़े कद के नेता है, हर जगह उनके फॉलोअर्स हैं मध्य प्रदेश में, तो क्या आने वाले दिनों में जो चीज़ें सामने आने वाली उसमें कमलनाथ कुछ अलग दृष्टि से दिखेंगे, नजर रहेगी इस पर। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को मेरे साथ जुड़े, मिलन जी, स्वदेश जी और दिनेश जी। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में जब कमलनाथ भोपाल पहुँचते हैं तो फिर अलग तरह की चर्चाएँ चल पड़ती हैं। चर्चा के लिए अब बहुत ज़्यादा जगह इसलिए नहीं है क्योंकि
पांच साल में से चार साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हो चुके हैं और आने वाले चार साल भी बहुत अच्छा बहुमत है, उनको ही आगे बढ़ना है। केंद्र में जो स्थितियां हैं, कमलनाथ एक ऐसे कद के नेता है जो केंद्र में भी अपनी पैठ रखते हैं। आने वाले दिनों में और भी स्थानों पर चुनाव होना है, तो क्या वो सिर्फ तीन दिन मध्य प्रदेश में रहेंगे या इसके बाद दिल्ली जाकर कुछ अलग भूमिका में भी नजर आएंगे? पर कमलनाथ का होना ये बताता है कि वो मध्य प्रदेश को छोड़ना नहीं चाहते, और छिंदवाड़ा पर तो उनकी नज़र है ही। भले छिंदवाड़ा का गढ़ अब भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ लाने में लग गई हो, लेकिन वो कमलनाथ हैं और समझते हैं कि अपने गढ़ को कैसे बचाएं। आगे देखिए अफसरनामा में आईपीएस वाई अक्षय कुमार के साथ खास बातचीत। कोंडागांव एसपी अक्षय कुमार, नमस्कार।